यहाँ का एमएलए जो अप्पू गौड़ा जो यहाँ पे लूटी कर रहा है जीडे प्रॉपर्टी, अपने फैमिली को जो दिला रहा है, कंडी मार्केट के अंदर गांव के किसान लोग और गरीब लोग वहां पे जो तरकारी बेचते थे, वो तरकारी बेचने का जगह आज एमएलए लूटी करके ये जगह ऑक्शन में लेता है। ये इसको री ऑक्शन होना चाहिए, एमएलए को इमीडिएट राजीनामे देना पड़ेगा। आज गुलबर्गा साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के तरफ से आज जो यहाँ का एमएलए जो अप्पू गौड़ा जो यहाँ पे लूटी कर रहा है जीडे प्रॉपर्टी, अपने फैमिली को जो दिला रहा है, उसके खिलाफ आज डीसी ऑफिस के अंदर हम लोग डीसी साहब को मिलके आज यहाँ पे उनको एक एप्लीकेशन दे रहे हैं। इसके ऊपर इंक्वायरी बैठना चाहिए। ये जिस दिन यहाँ पे ऑक्शन किया गया है, वो ऑक्शन के अंदर उनके फैमिली मेंबर और उनके फॉलोअर्स वो ऑक्शन के अंदर ऑक्शन डालते हैं, और वो प्रॉपर्टी जब रजिस्टर होता है वो ऑक्शन में जो ऑक्शन डाले वो लोग विटनेस में आते हैं उसके अंदर, तो इसके ऊपर इंक्वायरी बैठना चाहिए। एमएलए के खिलाफ इमीडिएट वो जो प्रॉपर्टी जीडे अपना कंडी मार्केट के अंदर गांव के किसान लोग और गरीब लोग वहां पे जो तरकारी बेचते थे, वो तरकारी बेचने का जगह आज एमएलए लूटी करके ये जगह ऑक्शन में लेता है। ये इसको री ऑक्शन होना चाहिए। अगर इसको री ऑक्शन नहीं होगा, हमारे पार्टी के तरफ से हम लोग रोड पे उतरेंगे, एमएलए के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे आने वाले दिनों में। अब कर्नाटक का असेंबली चल रहा है और यहाँ के जो एमएलए, अगर तुम्हारे को अगर आवाम के ऊपर मोहब्बत है, लोगों के ऊपर अगर मोहब्बत है, ये एमएलए के खिलाफ सेशन में आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ये एमएलए को घर भेजना है, ये लूटी कर रहा है एमएलए, गुलबर्गे को लूटी करने के लिए आवाम के बीच आ रहे हैं। आज इनके पूरे जो स्टेट गवर्नमेंट जो इनका है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनका है। अगर ये गवर्नमेंट में अगर इंसाफ अगर देना चाह रहे लोगों को, ये एमएलए को इमीडिएट राजीनामे देना पड़ेगा, लोगों के बीच आके इसका सबूत देना पड़ेगा। आज हम पेपर में मीडिया में देख के आज हम जेडीएस के तरफ से हम लोग यहाँ पे डीसी ऑफिस को आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो जो कंडी मार्केट का जो प्रॉपर्टी है उसको फिर से क्या है रीटेंडर और जो री ऑक्शन को डालना है। ईएमडी अमाउंट जो भरे हुए 4.5 करोड़ रुपए, वो जब अमाउंट भरने के बाद एक जीडे का एक प्रोसीजर होता है, एक क्लॉज होता है कि इतने दिन के अंदर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर करना बोल के, ये वो क्लॉज लिमिट क्रॉस करे, क्रॉस करके उन्होंने फिर यहाँ के जो जीडे के दलाल ऑफिसर जो है उनके दलालगिरी उनके गुलामगिरी कर रहे जो ऑफिसर उनके फेवर में वो प्रॉपर्टी रजिस्टर कराते हैं। आज जिला अधिकारी साहब को डीसी साहब को हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर इंसाफ आवाम को दिलाओ, इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाओ, और यहाँ के जो प्रॉपर्टी है इमीडिएट आज के डेट के अंदर प्रॉपर्टी को स्टे देना, इमीडिएट प्रॉपर्टी सीज करना। ये जो ऑफिसर्स इनके साथ जो मिले हुए हैं इनके ऊपर इंक्वायरी बैठना जरूरी है। और 18 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, किसका पैसा है इसके ऊपर इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। जब एमएलए इलेक्शन टाइम था उस टाइम पे बता था मेरा प्रॉपर्टी इतना ही है बोल के, बाबा 18 करोड़ रुपये कहाँ से आए तेरे पास? आज लोगों को बताओ 18 करोड़ कहाँ से आए? 18 करोड़ व्हाइट अमाउंट देके एमएलए अपने भाई को प्रॉपर्टी दिलाता, इसके ऊपर इंक्वायरी होना ज़रूरी है। अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम रोड पे एमएलए के खिलाफ ये सरकार के खिलाफ हम धरना बैठने के लिए तैयार है बोल के बोलना चाहता हूँ मैं।